मौके पे जाएंगे, वहां बैठेंगे, उनको समझाएंगे, प्रेरित करेंगे। मेरा मानना है कि हर आदमी में एक ऊर्जा है, एक हुनर है, उसको थोड़ा सा रास्ता दिखा देंगे तो चमत्कार दिखा देता है। सबसे कट्टर पंथ वालों से ही सबसे बड़ा परिणाम भी मिलता है, तो उनको थोड़ा ऊर्जा भरवा लीजिएगा सर, वरना उत्तरदायित्व निर्धारित करना है तो हम लोग तैयार है, आप भी तैयार है, उसके लिए भी तैयार है, तो ये आप करवा दीजिएगा। एआरपी को मदद करनी है, डेली मॉनिटरिंग अपने सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के बाद शिक्षा अधिकारी साथ मिलकर अधिकारी और सीडीओ से मार्गदर्शन लेते हुए मानव संपदा पोर्टल को अत्याधिक एवं दुरुस्त रखना है। कोई शिक्षक, विशेषकर हमारे महिला शिक्षकों का शोषण अगर हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं जो जिम्मेदार रहेगा उसको बर्बाद करके रखूंगा, बता रहा हूं बर्बाद। दूसरी बात, अगर मानव संपदा पोर्टल पर अगर छुट्टियों के अवकाशों की स्वीकृतियों के लिए या पदस्थापन के लिए, ज्वाइनिंग रिलीविंग के लिए उनको यहां वहां भटकना पड़ रहा है, शोषण हो रहा है, आपके अधीनस्थ कार्य कर रहा है, तो बीएसए पूरी तरह जिम्मेदार रहेंगे। सर्विस बुक के प्रॉब्लम के लिए बीईओ और बीएसए संयुक्त रूप से जिम्मेदार रहेंगे। पेरोल अथवा एरियर या किसी तरह का पेरोल ऑटोमेटेड है, एरियर भी अभी ऑटोमेटेड करेंगे, एक महीने में हो जाएगा। अगर कहीं पे शोषण हो गया टीचर का, अभी मैं हर एक टीचर को फोन कर रहा हूं, हर टीचर को यहां से कॉल सेंटर से फोन करा रहा हूं, अगर उनके द्वारा बता दिया कि हो रहा है, उनका नाम तो नहीं आएगा लेकिन उसके बाद जो होगा वो इतिहास याद रखेगा। मैं कह रहा हूं कि आप पीएसए और एओस डब्ल्यूओस पूरी तरह जिम्मेदार रहेंगे। जो पैसा स्कूल में जाना है, ब्लॉक में जाना है, उसका हस्तांतरण में कहीं कटौती शोषण हो गया तो पीएसए और एओस पूरी तरह जिम्मेदार रहेंगे। मैं सीडीओ से लगातार बात करूंगा, अगर सीडीओ डीएम एक रिपोर्ट किसी के खिलाफ भेजेंगे तो उसके खिलाफ विजिलेंस जांच से लेकर पूरी कार्रवाई, जबरदस्त कार्रवाई हो जाएगी, ये बता रहा हूं। इस अभियान में सबसे बच्चों का अभियान है, शिक्षकों का अभियान है, मां सरस्वती का अभियान है। इस अभियान में कलंकित करने की जरूरत कोई करते नहीं। जो शिक्षक संकुल की बैठकें होती है वहां पीएसए बीओ जाएंगे, एआरपी जाएंगे।